Hardest game. For the selection for the special of underbody from Dimra will be lifted up now. फाउंडेशन है अंडर बॉडी, एक कोटिंग किया हुआ है, पहले जब शोरूम से लिया था उसी टाइम कोटिंग करके दिया था वो लोग, अभी अंडर बॉडी प्लेटिंग लगाएंगे इधर पूरा, इधर से इधर से इधर तक इधर है। ये भी प्लास्टिक का है गाड़ी है, अदरवाइज ऑल तो सब स्टील मेटल का ही है, लेकिन गाड़ी बहुत सॉलिड है अंदर से, थोड़ा स्टील स्टील का थिकनेस बहुत ही ज़्यादा है इधर, तो बिल्ड क्वालिटी इज वेरी स्ट्रांग। और फ्यूल टैंक है, ये एक प्लास्टिक का है पूरा, चलो तो उड़बे तो देखो तो वेट करो चलो पोड़ा चलो পুরোটা উঠে স্লিপ হয়ে গেছে, পুরোটা উঠাতে হবে, এর লাগিয়ে একটা জায়গায় লাগিয়ে এটা উঠিয়ে দেখানো ওয়েটটা কত, ওয়েটটা আমি দেখতেছি, আমি অ্যালুমিনিয়ামটা অর্ডার করেছি দড়ি বাঁধি, হ্যাঁ দড়ি বাঁধ দড়ি বাঁধ, হ্যাঁ দড়ি বাঁধা একটা করে দাও করে দিই, দেখে দেখি কত ওয়েট আছে, দিয়ে দেবো এখন এখন জিরো এখন জিরো করুন, হ্যাঁ ব্যাস জিরো আছে তো, জিরো থার্টি নোট কিচ্ছু না, একটু হালকা তো হবে, ওইটু ওইটু ওইটুকু হবে, হ্যাঁ দেখি ওয়েট করো চলো, হ্যাঁ চলো ছেড়ে খুলে যাচ্ছে একুশ কেজি টোটাল, একুশ কেজি একুশ কিলো না, টোয়েন্টি ওয়ান কিলো, ঠিক আছে ঠিক আছে, একুশ কেজি সামথিং ছিল ওটার, পাউডার কোটেড আছে, ওটা পাউডার কোটেড কোয়ালিটি আমরা, হ্যাঁ কোটিং ভালো আছে তো, পাউডার কোটেড ফিনিশ ব্র্যান্ড ইজ ইট ওয়ার্ল্ড, এটা এদিকে হবে উল্টো হবে মনে হয়, এটা সামনে হবে, এই মালটা সামনে হবে, হ্যাঁ এটা এখানে লুকসটা এখানে আসবে, রেড কালারটা বাইরে থেকে খুব সুন্দর লাগে দেখতে, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, ফিটিং হচ্ছে নাকি দেখো তো বোল্টের জায়গাগুলো, হ্যাঁ 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 ওই আছে পজিশন হচ্ছে, ওইভাবে ডিজাইন করা হয়েছে,
चलो नाम ये तो बूट स्पेस है नहीं, थोड़ा छोटा ही है। थोड़ा मेरा ये रिकवरी किट रखा हुआ है यहाँ पे, ये सब टायर इन्फ्लेटर है, यहाँ पे टूल बॉक्स है, ये वॉशिंग के लिए है, ये सब माइक्रो फाइबर क्लॉथ सब कुछ रखा है, वो टायर रिपेयरिंग किट है, सब कुछ रखता हूँ। छोटा नहीं है तो ये छोटा हाँ, मैं अलग से लगाया बाहर से। आपको इधर से एक स्विच है यहाँ पे, ये वाला स्विच पुल कर लिया, ये आ गया, बहुत इजी है, ये अभी आगे आ जाएगा, इधर से पुल करके इधर से चले जा सकते हैं बैठने के लिए। पीछे भी हैंड रेस्ट ये सब अलग से लगाया, साइकिल रखने के लिए। हाँ, साइकिल या कुछ बड़ा सामान होगा तो ऊपर रख सकते हैं, तो मतलब रूफ कैडियर मैं बना लूँगा ऊपर, बिमला का ही ऑर्डर करूँगा पूरा फुल। और एक सेटअप आता है रूफ टॉप कैंपिंग के, कर सकते हैं उसको लगा के करके, रूफ टॉप कैंपिंग जैसा हो जाएगा। क्या तो सर, दिक्कत तो नहीं होता है, मतलब बोलता है कि जगह नहीं है दो आदमी के लिए, हाँ दो आदमी के लिए है, लेकिन चार आदमी भी बैठ सकता है, पीछे बहुत जगह है बैठने का। ये शॉप का गाड़ी है, ये वाला देखिए, ये वाला बैज देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये वाला चीज इसके लिए प्राइस है ये। एग्जैक्टली, वो वाला नहीं है, वीकेंड में निकलिए, कोई भी जगह चले जाइए, दूर चले जाइए, पूरा बिंदास चले जाइए, टेंशन लेस। अंडर बॉडी गार्ड जो है ये माइल्ड स्टील का है, एल्युमिनियम लगा सकता था लेकिन एल्युमिनियम मैंने नहीं लगाया, रीज़न भी एल्युमिनियम बहुत लाइट वेट होता है एंड इजीली बेंड भी हो जाता है, अगर कोई किसी पत्थर या किसी हार्ड सरफेस से भी बताए तो। इसके एडवांटेज है कि ये ज़्यादा स्ट्रांग भी रहेगा, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका भी थोड़ा एडवांटेज भी रहता है। तो गाड़ी आई थिंक 20 किलो का आसपास का वेट है, 22 किलो अप्रॉक्स, तो थोड़ा इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा आई थिंक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा तो नीचे जाएगा ना, ये बहुत कम है, ऑलमोस्ट हाफ, स्टील का प्राइस है 14,000 और
एमएम वाला का 28,000 ऑलमोस्ट। सो स्ट्रीट लाइट ठीक है मेरे लिए।